क्या आप मानोगे, मैंने ये मेकअप इतने अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ किया ना गाइस, और सबको ऐसा लगा था पता नहीं मैंने क्या 30 मार खाऊं यार मेकअप के अंदर। मतलब इतने सस्ते प्रोडक्ट थे और मैंने इतना सुंदर मेकअप, आप शाइन देख लो, ग्लो देख लो, मतलब सबको लगा था, सबने मुझसे पूछा था ये मेकअप किया कैसे है। गाइज इतने अफोर्डेबल प्रोडक्ट थे बट विद द राइट टेक्निक। राइट टेक्निक बहुत जरूरी है। आपके पास प्रोडक्ट किसी भी ब्रांड के हो, आप इतना अच्छा मेकअप कर सकते हो। देखो मेकअप को हटाने की भी कोशिश कर रही हूँ बट ये मेकअप हट नहीं रहा है, टस से मस नहीं हो रहा है। तो क्योंकि ट्रिक है यार, विद टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने काम किया, ऐसे थोड़ी ना हट जाएगा। मेरा बेस इतना स्ट्रांग है कि वो मेकअप हट ही नहीं सकता। तो गाइज अगर आपको भी ऐसा मेकअप सीखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। स्किन प्रेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ मैं स्किन प्रेप कर चुकी थी क्लींजिंग टोनर और मॉइस्चराइजर के बाद। Now I am using the Swiss Beauty की ड्रॉप क्रीम। गाइज अगर आपको ग्लोई शाइनी, जिस तरीके से मेरे मेकअप के अंदर ग्लो आ रहा है, अगर आपको ग्लो पसंद है ना तो आप इसका यूज करो। अगर आप मैट लुक के फैन हो, मैट मेकअप पसंद है, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। Now I am using the inside का 3-in-1 प्राइम। आपके जो ओपन पोर्स होते हैं, जो टेक्सचर विजिबल होता है, उसको स्मूथ करना होता है ताकि जो आपका मेकअप है वो लॉन्ग स्टे रहे। प्राइमर को कभी भी पूरे फेस पे नहीं लगाना है, जहां जहां आपको प्रॉब्लम है फेस पे, ओपन पोर्स, टेक्सचर विजिबल, एक्ने है, उसके ऊपर लगाना है सिर्फ। नाउ द सेकंड स्टेप इज द ऑरेंज करेक्टर। मैं बिल्कुल बेसिक रफ लैंग्वेज में बताऊं ना आपको कहां यूज करना है। तो जहां जहां आपको ब्लैकनेस है, मतलब कालापन है, पिगमेंटेशन है, एक्ने मार्क्स है, स्कार्स है, मतलब आपको कोई फेस पे पिंपल हुआ है, फुंसी हुई है और उसका निशान रह गया है, तो आपको वहां उसका यूज करना है ऑरेंज करेक्टर। अगर आपका कोई एक्टिव एक्ने है, इन द सेंस अगर आपका कोई रेड कलर का एक्ने है, बिल्कुल अभी 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 पैदा हुआ है, तो उस पर आपको ग्रीन कलर का यूज करना। Now I'm using the Swiss Beauty on the Move Concealer Palette, guys. ये 6 shades in 1 concealer palette है, बहुत ज्यादा pigmented है। Concealer का guys use करना यहाँ इसलिए जरूरी है because आपने जो पहले orange corrector use किया है, अगर आप उसके ऊपर direct foundation लगा दोगे तो आपका foundation orange हो जाएगा, आपका makeup orangeish लगेगा बाद में। So next step is the I'm using the Maybelline New York Liquid Foundation, matte and poreless, full coverage, blendable, normal to oily skin, fit me 220 natural bit. Guys, if you have ऑयली स्किन तो ये फाउंडेशन आपके लिए मिरेकल है, आप इसको डेफिनेटली यूज करिएगा, इतना अफोर्डेबल है। अब यहाँ पे मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ फाउंडेशन की। देखो मैं ब्रश से लगाती हूँ, आपको भी वही करना है। अगर आप इससे लगाओगे ना, इतना स्मूथ निकल के आएगा ना आपका फाउंडेशन, मतलब लगता नहीं कोई प्रोडक्ट चिपका रखा है आपके फेस पे। तो हमेशा पहले आप ब्रश से अप्लाई करिए, उसके बाद आप ब्यूटी ब्लेंडर लेके उसको डैब डैब करिए, और फाउंडेशन को भी आपको डैब डैब करना है, ड्रैग नहीं करना है, अदरवाइज जो नीचे आपने कंसीलर और करेक्टर लगाया है वो हट जाएगा। तो आपको जस्ट बहुत विदाउट प्रेशर हल्के हाथों से उसको डैप डैप करना है। नाउ आई एम यूजिंग द स्विस ब्यूटी का कंसीलर, जो हमारी शेड से एक शेड लाइट या दो शेड लाइट होगा। पहले जो आपने कंसीलर यूज किया था वो हमारी शेड का एग्जैक्ट शेड था, जो हमारी स्किन का कलर है। अब जो हम यूज कर रहे हैं वो हाइलाइटनिंग के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा लाइट शेड लेंगे। तो आप अपने स्किन से 2 या 3 times लाइट शेड ले सकते हो। तो आपको वो आईज के नीचे लगाना है, नोज की ब्रिज पे लगाना है, एंड बिट बो पे एंड नीचे चिन पे लगाना है। द नेक्स्ट स्टेप इज आई एम यूजिंग द O2O का लिक्विड ब्लश। इसमें बहुत सारी शेड्स होती हैं, मैं यहाँ पिंक वन यूज कर रही हूँ। ये आपकी किसी भी स्किन टोन पे चली जाएगी, चाहे वो डस्की हो, फेयर हो, मीडियम हो, आइवरी हो। एंड ये बहुत ज्यादा ब्लेंडेबल है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है और बहुत सॉफ्ट लगता है, और इससे फाउंडेशन भी नहीं हटता है। तो गाइज इस स्टेप पे मैं आपको ये टिप दूंगी कि जब भी ब्लश लगाते हो ना, तो आपको पीछे से आगे की तरफ आए, मतलब अपने ईयर से नोज की तरफ बढ़ना। आपको हमेशा कम प्रोडक्ट उठाना है, कि आपको कम कम उठाओगे तो और ले सकते हो, पर बहुत ज्यादा लगा देते हो ना तो उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कम प्रोडक्ट को बढ़ाना ईजी होता है, तो हमेशा कम प्रोडक्ट से शुरुआत कीजिए। स्टेप आई एम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी का ट्रांसलूसेंट पाउडर। गाइज अगर आप फेयर टू मीडियम स्किन के हो ना, तो आप इसको यूज करिएगा ट्रांसलूसेंट पाउडर को। अगर आप डस्क स्किन के हो तो आपको बनाना पाउडर यूज करना है, जो थोड़ा येलो कलर का हो। इसके नीचे क्रीजिंग हो जाते हैं कुछ लोगों के, तो आपको क्या करना है, एक साफ ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, उसको ब्लेंड करोगे पहले आईज के नीचे हल्के हल्के हाथों से, उसके बाद उस पर पाउडर अप्लाई करोगे, जैसे मैंने किया। अगर आपके आईज के नीचे लाइन्स लगी हुई होंगी ना और उसके ऊपर पाउडर लगा दोगे, तो वो लाइन को ही सेट कर देगा। गाइज अब आप हम आई मेकअप बेस बनाते हैं। आपको डायरेक्ट कंसीलर लगाना है, उसको पाउडर सेट कर देना है। यह एक टिप देती हूँ आपको, जब भी आप आई मेकअप करोगे तो आपको आईज के नीचे पाउडर लगे हुए छोड़ देना है, जैसे मैंने छोड़ा है। वो इसलिए छोड़ा है बिकॉज जब आप आई मेकअप करोगे तो जो आई शेडो के कलर्स हैं वो आपके फेस पे गिरते हैं, और जब आप पाउडर से उसको हटाओगे तो वो साथ में ईजिली हट जाएंगे। बट अगर नीचे पाउडर नहीं होगा तो वो आपके फेस पे गिरेंगे, और आप उन्हें हटाओगे तो आपका मेकअप भी हट सकता है नीचे वाला। तो इसलिए उसको पाउडर को मैं लगा के रखती हूँ, एंड देन मैं आई मेकअप करती हूँ। आई मेकअप के लिए मैं आपको यहां एक टिप देती हूं, जितनी अच्छी ब्लेंडिंग उतना अच्छा आई मेकअप।
पास। आई मेकअप में मेन चीज़ ये है कि आपको कोई लाइन नहीं दिखनी चाहिए कहीं की, लाइन कुछ दिख रही है या कौन सा कलर कहाँ से शुरू हो रहा है। लाइट येलो कलर यूज़ कर रही हूँ बिकॉज गाइज मेरे आउटफिट में वो कलर था। मैंने लाइट येलो से अपने ट्रांजिशन पे डाला है, फिर थोड़ा डार्क येलो लेकर उसको अपने क्रीज पे डाला है, एंड देन मिड में मैंने उसको कंसीलर किया है एंड उस पर पिंक कलर का शिमर इफेक्ट दिया है बिकॉज मेरे आउटफिट्स में ये कलर थे। तो अब नवरात्रि के लिए तैयार हो रहे हैं, फेस्टिव सीजन के तैयार हो रहे हैं, तो थोड़ा सा कलरफुल लगना ही चाहिए, तो इसलिए मैंने अपना आई मेकअप बहुत कलरफुल रखा। आई मेकअप करते हुए मेन टिप ये है कि आपको हमेशा लाइट कलर से डार्क कलर्स की तरफ जाना है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज द आई मैजिक का जेल आई लाइनर। मैं हमेशा मैं काजल लगाऊंगी और मैं हमेशा काजल को लगाते वक्त जो ब्रश का एंड होता है मैं उसको यूज करती हूँ, उस पर लिया एंड देखो कितना ईजिली लग गया। तो आपने आईज के ऊपर कलर डाले है ना, अब वही आई शेडो उठा के आपने काजल को सेट करना है। सो मैंने ब्लू आईलाइनर लगा लिया है, अब बहुत ज़्यादा अतरंगी ना लगो इसलिए मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा ब्लैक का आईलाइनर का इफेक्ट भी दे दिया है। गाइज मैं आपको एक टिप देती हूँ, तो अगर आपको आईलाइनर आपका शार्प दिख रहा है ना, आपकी जो आप बाहर निकालते हो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, कंसीलर लीजिए उसके नीचे एक सीधी लाइन डाल दीजिए आईलाइनर के नीचे, आपका आईलाइनर बिल्कुल शार्प हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा यार कुछ गड़बड़ हुई थी उसको ड्रॉ करने में। अब मैं अपने जो ब्रो बोन और अपने इनर जो एरिया होता है ना आईज का उसको हाईलाइट कर रही हूँ, ये करना बहुत ज़रूरी है आई मेकअप। सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज द कॉन्टोरिंग। गाइस सबसे इजी होती है, लोगों को पता नहीं क्यों इतनी टफ लगती है कॉन्टोरिंग। तो आपको ऐसा ना टेढ़ा ब्रश लेना है, मतलब ऐसा एंगल्ड ब्रश लेना है और ओ बोलना है, या तो ओ बोलो या जैसे हम चूहे की तरह फेस बनाते हैं ना वो बना लो, और जहां आपको फेस पर लाइन दिख रही है ना मेरे दोनों साइड ओ चूहे की तरह बनाते हुए, बस उसके ऊपर आपको कॉन्टोरिंग करनी है। नेक्स्ट स्टेप आई एम यूजिंग द आई मैजिक की कॉन्टोर ब्लश एंड हाईलाइटर 3-in-1 पैलेट। ब्लश के लिए बस मैं एक टिप यहाँ पे भी यही दूंगी, आप पीछे से आगे की तरफ आइए। नाउ आई एम यूजिंग द स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर, उसके बाद मैं हांडियान की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ एंड गाइज मैं यहाँ पे पिंक शेड यूज़ कर रही हूँ। अब मुझे थोड़ा सा यहाँ डार्क पिंक लग रहा था तो मैंने क्या किया उसका लाइट शेड लिया, तो मैंने दूसरे लिपस्टिक ली लाइट कलर की उसके ऊपर अप्लाई करी और हाथों से हल्का हल्का डैप किया, फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने लिप ग्लॉस लिया और वो लगा दिया। मेरे इतने सेक्सी लिप्स लग रहे हैं गाइज। आई एम यूजिंग द आई मैजिक की कॉन्टोर ब्लश हाईलाइटर। अब मैं यहाँ पे एक टिप देती हूँ, आपको क्या करना है अगर आप चाहते हो आपका हाईलाइटर का जो स्टेयर लंबा रहे, इतना सुंदर आएगा ना हाईलाइटर, आपको ब्रश लेना है उसके ऊपर फिक्सिंग स्प्रे या सेटिंग स्प्रे कुछ भी मारो, हाईलाइटर उठाओ और दूसरी तरफ लगाओ, लुक एट द डिफरेंस डार्लिंग, लुक एट द डिफरेंस। इस साइड देखो और उस साइड देखो, जमीन आसमान का फर्क है। शायद वो कैमरा इतना कैप्चर नहीं कर पा रहा होगा बट सामने से, या फिर आप खुद ट्राई करके देखना गाइज, जमीन आसमान का फर्क है। हमेशा हाईलाइटर को ऐसे लगाए। इज नाउ आई एम यूजिंग द मेबलिन का वाटरप्रूफ मस्कारा, ये आपके आईलैशेस को बहुत ज्यादा वॉल्यूम दे देता है एकदम से, लॉन्ग लास्टिंग है। यहाँ मैंने अपने नेक पे भी अच्छे से हाईलाइटर कर लिया बिकॉज यार गरबा खेलेंगे वहाँ पे इतनी रोशनी होगी तो बॉडी तो शाइन करनी ही चाहिए ना फेस के साथ साथ, तो मैंने नेक भी हाईलाइटर कर लिया, बस रैंडमली उठाया और जैसे ऐसे कि आप भी कर लीजिए, बहुत सुंदर लगता है। दिस इज द फाइनल लुक गाइज। अब आप बताइए मैंने इसमें ऐसा कौन से प्रोडक्ट यूज़ किया है या मैंने ऐसा क्या किया है, कुछ भी महंगे प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए हैं, सारे ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं, आधे से ज़्यादा तो 500 से कम की रेंज में, कुछ तो 200 तक की रेंज में है, लेकिन मैंने विद टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ यूज़ किया, तो आपको हर एक स्टेप पे मैंने टिप एंड ट्रिक दी है। अगर आपको इसी तरीके की और वीडियोस देखने या अगर आपको मेकअप सीखना है, जल्दी से ही मेकअप का कोर्स शुरू करने वाली हूँ जिसमें मैं आपको ऑनलाइन मेकअप सिखाऊंगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये मेकअप पसंद आता है और ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स और जाननी है तो DM कर दीजिए या मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं जल्दी अपना मेकअप कोर्स लॉन्च करूंगी। बाय बाय गाइज, नाउ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों में भी सब्सक्राइब कर दो।